तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने सैमसंग के मोबाइल में वाईफाई प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन कर लेने के बाद गाइस, आपको यहाँ से स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल कर लेने के बाद गाइस, आपको यहाँ से अबाउट फोन का ऑप्शन दिख जाता है। तो आप इस पर सिंपली क्लिक करके आपको यहाँ से स्क्रॉल करके रिसेट पर क्लिक कर देना है। तो गाइस, आपको रिसेट पर क्लिक कर देने के बाद गाइस, आपको यहाँ पर रिसेट नेटवर्क सेटिंग्स ऑप्शन दिख जाता है। तो गाइस, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद गाइस, आपको यहाँ पर रिसेट सेटिंग्स पर क्लिक करके आपको यहाँ से अपना पैटर्न डाल के यहाँ से आपको रिसेट कर देना है। तो इस तरीके से आप अपने सैमसंग के मोबाइल में जो भी वाईफाई प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है। तो गाइस, हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो करते लाइक, चैनल को करते सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।